हाय स्टेंथ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए चलते हैं हम क्लास टेंथ में हिस्ट्री के साथ, लेसन वन, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड बेटा, दिस इज द एट्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन। बता दूं कि ये लेसन का अंत लास्ट और एट्थ वीडियो है। इससे पहले मैं सेवन्थ वीडियो कर चुका हूँ। आज ये पार्ट एट है। इसमें दो टॉपिक पढ़ना आपको, विजुअलाइजिंग द नेशंस एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। स्टूडेंट्स, लेसन का लास्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस अगर आप पिछले के वीडियो नहीं देखें, जाकर आप यूट्यूब के चैनल से देख लें, ताकि आपको पीछे की स्टोरी समझ में आ जाए। आज मैं इसको मतलब टाट करके आपको ग्रुप में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया हूँ, आप उसको देख लें और उसको राइट कर लें, ठीक है? और जब भी आप आएँ विद्यालय तो नोट्स लेके आएँ, ताकि मैं उसको जाँच कर दूँ। ओके बेटा, अगर आपके पास पेज बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 23 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। देखिए, टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज मतलब है किसी चीज़ को मानव के रूप में, एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको रिप्रेजेंट करना। दैट मीन्स उसको एक प्रतिरूप देना, मूर्ति देना। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का एक इमेज बना के उसका पूजा पाठ करते हैं, या उसको एक इमेज के रूप में विजुअलाइज करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर है कि विजुअलाइजिंग द नेशन, एक राष्ट्र को। मान लो कि एक राजा है, तो उसको हम एक इमेज बना सकते हैं, उसका पिक्चर बना सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं, उसका फोटो लेकर के हम पूजा पाठ या उसके बारे में दिखा सकते हैं कि देखो ये हमारा ये राजा है, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसका राज्य ऐसे था। लेकिन अगर हमें किसी एरिया का, हमें किसी राज्य का, हमें किसी ज्योग्राफिकल एरिया का अगर विजुलाइजिंग करना होगा, तो कैसे करेंगे? हम इस रिलेशन में देखेंगे किस तरह से इस रिवलेशन में, या जो नेशनलिज्म हुआ था यूरोप में, उसमें किस तरह से जो है विजुलाइजिंग किया गया था नेशन को, अलग अलग, जैसे फ्रांस का, जर्मनी का, ये अलग अलग, वो हम इसमें चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। आइए देखते हैं पेज नंबर 23। वाइल इट इज़ इजी इनफ टू रिप्रेजेंट द रूलर्स थ्रू द पैट्रियट और द स्टैचू, हाउ डज वन गो अबाउट द गिविंग शेप ऑफ द नेशन? यानी कि अगर किसी राजा को, किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम उसका इमेज बना करके उस मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यही काम अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया का, किसी नेशन का, किसी राष्ट्र का, किसी स्टेट का करना होगा, तो क्या ये कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट इन 18th and 19th century फाउंड अ वे बट आउट बाई पर्सनिफिकेशन ऑफ अ नेशन। यानी कि जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, वो 18th और 19th century में इस तरह का एक देखा गया कि एक पर्सनिफिकेशन, यानी कि राष्ट्र का मानवीकरण करके एक राष्ट्र को मानव के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। ओके, तो उसको करने का कार्य किया था, ठीक है? इन द अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ़ इट वेयर अ पर्सन। यानी कि इसमें दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक कंट्री को एक व्यक्ति के रूप में उसको देखने का प्रयास किया। हम एग्जाम्पल ग्रुप में हम अपने इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें था कि भाई बहुत सारे कंट्री को लेडीज़ के रूप में शो किया। जैसे हमारे कंट्री को बोलते हैं भारत माता, मदर ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो मदर ऑफ इंडिया जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, वो एक जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, जो इंडिया का मैप देखते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। इसे मान लीजिए कि हमें दिखाना होगा, या हमें एक सिम्बलाइज ग्रुप में करना होगा, तो हमें ऐसा नहीं कि इमेज बना कर कि ये मेरा कंट्री है, ये फिर यहाँ वहाँ इसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए एक मतलब फिगर का रूप दिया गया, एक मानव का रूप दिया गया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेशन वेयर देन पोर्ट्रियाड एट द फीमेल फिगर, और उस समय जो है 18th century में एक देश को, एक राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया था। द फीमेल फ्रॉम दैट वाज चूजन इन द पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन्स इन द रियल लाइफ। यानी कि जिस लेडीज का इमेज बनाया जाता है किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को पर्सनिफाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि वास्तव में वो इमेज या वो लेडीज जो है उस इमेज का रियल लाइफ में भी रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रेदर इट साउट टू गिव द अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशंस टू कंक्रीट फॉर्म्स। यानी कि इस तरह से लोग उसको देखें, उसको एक कह सकते हैं मतलब एक आइडिया मिले, एक विचार मिले नेशन का, उसलिए इसको बनाया जाता है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एलगरी ऑफ द नेशन। यानी कि एक राष्ट्र को एक रूप देने के लिए, एलगरी मतलब रूपक, यानी कि एक तरह से उसको एक फीमेल फिगर देने के लिए इसको बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल चलते हैं, देखते हैं अलग अलग कंट्री में किस तरह से इसको किया गया था। तो हम फ्रेंच का एग्जाम्पल लेते हैं। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलगोरी टू द पोट्री आइडिया सच एज द लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक।
यानी कि अगर आज भी देखते हैं, अगर आप जाते हैं जस्टिस कोर्ट में जाते हैं या कभी पिक्चरों में देखते हैं, कोर्ट का जब सीन आता है तो एक लेडीज़ का फिगर आपको दिखाता है, उसके आँख पर ऐसे पट्टी बांधे होता है, उसके एक हैंड में तराजू होता है। तो इस तरह से क्या है कि जस्टिस का एक इमेज दिखाता है, भाई चलो ये न्याय की मूर्ति, यहाँ पर न्याय होता है। उसी प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे इमेज जो है लिबर्टी का, जस्टिस का या रिपब्लिक का इमेज बना करके लोगों को मोबिलाइज करने का वर्क किया गया था। दीज आइडिया वेयर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल, यानी कि इस तरह की जो बातें हैं या विचार जो है लोगों के मन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के इमेज या सिंबल से किया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेसन में, कि उसमें लोगों को लिबर्टी के बारे में समझाने के लिए रेड कैप, लाल रंग की टोपी, ब्रोकन चेन, वाइल्ड जस्टिस इन जनरली, या ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है कैरिंग टू पेयर ऑफ द वेटेज स्केल, यानी कि जो है तराजू का जो है जस्टिस के न्याय की जो देवी होती है, न्याय मूर्ति जिसको कह सकते हैं, तो वहाँ पर एक औरत का फिगर होता है, इसके आँख में पट्टी बांधे हुए और उसके हाथ में तराजू का सिंबल होता है। जिस तरह इस तरह से जो इमेज लोग बना करके उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। उसी प्रकार जो है फीमेल अलगेरिज वेयर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। उसी प्रकार से 19th सेंचुरी के जो दौरान जो है जो आर्टिस्ट थे वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर का उपयोग किया करते थे। इन फ्रांस सी वाज क्रिश्चेंट मैरिन, यानी कि जो फ्रांस को रिप्रेजेंट, जो फ्रांस कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ एक लेडीज फिगर बनाया गया जिसको बोलते हैं क्रिश्चेंट मैरिन। अ पॉपुलर आर्टिस्ट, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, विच अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ अ पीपुल नेशन, यानी कि जिसमें एक उस फ्रेंच को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। हर कैरेक्टरिक्स वेयर ड्रॉन फ्रॉम द चूज ऑफ द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिक्स है इस इमेज का लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया है। इसमें आपको रेड कैप, ट्राई कलर एंड द कैक्ड स्टैचू ऑफ मैरिन वेयर इरेटेड द पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड द प्रोसीडेड देम टू आइडेंटिफाई विद द वीटी, यानी कि इसको लोगों के बीच में एक पहचान बनाने के लिए, लोगों की अपनी एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का उपयोग किया गया, प्रोसीडेड किया गया और लोग अपनी पहचान भी बनाने के लिए। मैरिन इमेज वेयर मार्क्ड ऑन द क्वाइंस एंड स्टाफ, और ये जो मैरिन का इमेज जो है जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको क्वाइंस पर भी लाया गया और शहरों में अलग अलग चौक चौराहे पर लगाए कि लोग अपनी एक पहचान बनाए कि भाई मेरा सिंबल है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, या जिससे लोग अपने यूनिफाई करें या नेशनलिस्ट की भावना लोगों में जाए, इसलिए लोग चौक चौराहे पर भी क्या करते हैं किए थे इस इमेज को वहाँ पर ये लगाया गया था, या फिर क्वाइंस जो सिक्के हुआ करते थे या स्टाम्प हुआ करते थे उस पर भी ये इमेज जो है लगाया गया था। सिमिलरली उसी प्रकार हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मेनिया बिकेम ए एलगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, यानी जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्मेनिया का फिगर बनाया गया था। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी कि ओक लीव्स का इसको मतलब ये एक वस्त्र पहनाया गया था। आई जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हिरोशिमा, यानी कि इस प्रकार से इसको एक बहादुर या वीर पुरुष के लिए, वीर महिला को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का विचार किस तरह से लोगों में मना है, और लास्ट पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसको भी देख लेते हैं। पेज नंबर 26 है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि हम 1875 के बाद की बात करते हैं, 1870 की, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इन द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट इन द फर्स्ट हाफ हाफ सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट हाफ सेंचुरी के बाद जो राष्ट्रवादी विचारधारा था या लिबरल राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक विचारधारा था वो धीरे धीरे लोगों में शांत पड़ते चली गई, यानी कि जितना जोर शोर से पहले था अब वो धीरे धीरे जो धीमा पड़ने शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटोलरेंट ऑफ ईच अदर्स एंड एवर रेडी टू गो वार, यानी कि इस प्रकार जो विचारधारा थी धीरे धीरे शांत होने लगा और लोग जो है दूसरे को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए इस प्रकार की वर्क करते थे और दूसरे से जो महसा युद्ध करने के लिए तैयार भी रहा करते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन द टर्न, और जो यूरोपियन पावर जो था धीरे धीरे फिर से वो टर्न होने शुरू हो गया, मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपुल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन
इंपेरियलिस्ट एम्स, यानी धीरे धीरे जो यूरोपियंस पावर था वो मैनिपुलेट होता चला गया, और जो नेशनलिस्ट जो विचारधारा था वो धीरे धीरे लोगों में शांत होते गया, और जो लास्ट में जो है आपको इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का जो लक्ष्य था वो लोग लेते चले गए। इन द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द यूरोपियन आफ्टर 1871 वाई द एरिया ऑफ कॉल्ड द बाल्कन्स, यानी जो नेशनलिस्ट की जो मेन टेंशन थी, जो मेन समस्याएं थी, वो आपको देखने को मिलता है यूरोप में 1871 के बाद, जिस एरिया में उसको कहते हैं बाल्कन्स। एक्चुअली बाल्कन्स एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया था जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग जो है, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग वहाँ रहा करते थे, और सभी लोग आपस में लड़ा भी करते थे। तो वहाँ से मेन जो नेशनलिस्ट थे उसका टेंशन यहाँ ज़्यादा बढ़ गया था। द बाल्कन्स वाज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्रेजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, जो आज का आधुनिक जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, कैटोनिया, बोस्निया एंड हर्जोगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो जो है, ये एरिया जो है आज अलग अलग जो इंडिपेंडेंट नेशन बन गए हैं, ये पहले बाल्कन रीजन के नाम से जाने जाते थे। और इसमें कई प्रकार के जियोग्राफिकल भी और एथनिक यानी कई अलग जातियाँ, विभिन्न प्रकार की जातियाँ भी रहा करती थी। तो ये जो जितने ग्रुप्स के लोग थे ये आपस में लड़ा करते थे। लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और जिस रीजन का जो सबसे बड़ा एरिया जो है ऑटोमन एम्पायर आप जानते ही हैं, तो इसके अंडर में कंट्रोल हुआ करता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन ए बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी वेरी स्लोटी। जैसे जैसे आइडिया रोमांटिक नेशनलिज्म को फैली कि बाल्कन रीजन के लोग जो है आपस में ही कमज़ोर है, तो यहाँ ऑटोमन एम्पायर जो है अब इसमें विस्फोटक के रूप में वर्क किया, और ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ थ्रू द मॉडर्नाइजेशन एंड इंटीग्रल रिफॉर्म बट विद अ वेरी लिटिल सक्सेस। जो ऑटोमन एम्पायर था इसमें जो है इसके अपने पावर को बढ़ाने के लिए एक नया मुहिम चलाया कि भाई इसलिए हम इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, और जो आंतरिक इसमें जो कमियाँ फैली, जो कुरुतियाँ, उसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, हालांकि बहुत ही कम सक्सेस हुआ। वंस बाय वन द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड द डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे जो यूरोपियन नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग थे इससे टूटते गए, और एक अपना अलग अलग इंडिपेंडेंस जो है कंट्री या राज्य जो है बनाते गए। द बाल्कन्स पीपुल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पोलिटिकल राइट्स ऑन द नेशनलिटी एंड यूज द हिस्ट्री टू प्रूव दैट They had once been independent, but had subsequently been subjected by the foreign powers. यानी कि इसमें जैसे जैसे लोग अपना अपना लड़ते गए और अपने अपने को अलग अलग एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एस्टेब्लिश करते गए, लेकिन जैसे ही फॉरेन पावर जो विदेशी पावर्स था उसमें जो है वो एक तरह से एक और चल रहा था। हेंस द रिबेलियंस नेशनलिस्ट इन बाल्कन्स थ्रू देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक इनका इंडिपेंडेंस जो है नहीं रह सका। एज द डिफरेंट सेल्विक नेशन, जो सेल्विक नेशन था यानी कि जो दास वाली जो राज्य थे, अलग अलग वह स्ट्रगल कर रहे थे, आइडेंटिटी कर रहे थे इंडिपेंडेंट ग्रुप में। द बाल्कन एरिया बिकेम एंड इंफेंस कन्फ्लिक्ट, यानी कि बाल्कन एरिया एक ऐसा एरिया था जहाँ पर कि सभी लोग आपस में इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़ा करते थे, लेकिन उसमें एक और चल रहा था स्लेविक जो रीजन्स था, यानी कि लोग टेरिटोरीज बनाते थे, यानी कि जो उसको कह सकते हैं क्लोनीज, जैसे हमारे कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्लोनी रहा है, उसी प्रकार इस एरिया में जो है उसका क्लोनीज के लिए जो है हुआ करता था वार वगैरह। द बाल्कन स्टेट वेयर फ्लेक्सिबली जिलियस ईच अदर्स, जो बाल्कन्स के रहने वाले अलग अलग स्टेट के लोग थे दूसरे से जला करते थे, और इच होप टू गेन मोर टेरिटोरीज, और सभी अपना अपना अलग अलग टेरिटोरीज को, यानी कि मेरा राज्य जो है ज़्यादा बड़ा हो जाए जो तो ज़्यादा बड़ा हो जाए, यानी कि राज्य हड़पने के लिए दूसरे से लड़ा भी किया करते थे। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम अ सेंस ऑफ द बिग पावर्स रियली, और समस्या तब ये बड़ा हो गया जब बाल्कन्स को और अधिक रूप से कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जब इसके पावर को मतलब मजबूत कर दिया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस रिवेल एमंग द यूरोपियंस पावर्स ओवर द ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल्स एंड मिलिट्री माइट्स, और समस्या तब हो गया इस समस्या में जब यूरोपियंस पावर यहाँ पर आकर के कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, ट्रेड के माध्यम से आए तो ठीक है, तो अपना कॉलोनीज स्टार्ट कर दिया था। उसमें अलग अलग कंट्री थे, दिस रिवेल्स वेयर द वेरी
एविडेंट इन द वे ऑफ द बालकन्स प्रॉब्लम अनफोल्डेड ईच पावर रसिया जर्मनी एंड इंग्लैंड ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी कि इन सभी जो पावरफुल राज्य हैं यहाँ पर आकर के अपना अपना कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिए अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन को कंट्रोल करके, तो समस्या यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया। वाच की ना ऑन काउंटरिंग द होल्ड टू अदर पावर ओवर द बालकन्स, और बालकन्स के एरिया पे अपना अपना पावर जमाने का जो शौकीन राज्य थे, पावरफुल राज्य थे, वो इस पर करना शुरू हुए। एंड स्टैंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपना जो है पावर इसके ऊपर जमाना स्टार्ट कर दिए थे। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वार, और इसमें कई इस प्रकार ये जो राज्य हड़पने का या फिर कॉलोनी बनाने का जो प्रक्रिया था, इससे जो है एक कई प्रकार के युद्धों कई युद्ध जो है स्टार्ट हो गए, और फाइनली यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से स्टार्ट हुआ था 1914 टू 1918 तक ये जो है लड़ाइयाँ चली थी। तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का होने का जो मेन रीज़न था या बेसिक रीज़न या फिर रिसेंट रीज़न कह सकते हैं, वो बालकन रीजन्स में जो एथनिक और जोग्राफिकल जो आपका कंपोजिशन था या फिर कॉलोनीज बनाने के लिए जो होड़ मची थी, वो भी एक तरह से कह सकते हैं। तो नेशनलिज्म एलाइंड विद एम्पीरियल, इस प्रकार जो राष्ट्रवादी जो थे साम्राज्यवाद में चेंज होना शुरू हो गया, यानी जो राष्ट्र को विस्तार करते थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुट गए। इसमें लेट द यूरोपियन डिजास्टर इन 1914 में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में जाना जाता है। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच लेट बीन कलोनाइज बाई द यूरोपियंस पावर इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनियन, यानी किस प्रकार इम्पेरियल डोमिनियन का खिलाफ करने लगे, चूंकि इसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के अंडर में कंट्रोल हो गए थे कलोनीज के रूप में। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट, यानी किस प्रकार जो एंटी इम्पेरियल जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गया था नेशनलिस्ट लोग अलग अलग जगह पर करना शुरू कर दिया। इन द सेंस दैट दे ऑल द स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, और ये सभी लोग फिर से मिलकर के अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे। एंड वे आर इंस्पायर्ड बाई द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, फॉरगेट द कन्फिग्रेशन, और उसको अपने जो राष्ट्र साम्राज्यवाद विचारधारा को भूल करके फिर से जो है सामूहिक रूप से एक राष्ट्र की यूनिटी बनाने के लिए जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए थे। यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेयर नाउ वेयर द रिप्लिकेट द पीपुल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, और सभी लोग अपने अपने स्तर से जो है विशिष्ट प्रकार के नेशनलिज्म की भावनाओं को डेवलप करना स्टार्ट कर दिए थे। बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू द नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड